कहते हैं इतिहास वही लिखते हैं जो जीवित रहते हैं। जिस तरह सिक्के की दोनों पार्श्वों को देखने के बाद उसे असली या नकली का दर्जा दिया जाता है, वैसे ही किसी इंसान को परखने के लिए उसके दोनों पार्श्वों को जानना अत्यंत जरूरी है। इसी प्रयास के साथ आपके सामने प्रस्तुत है बिंगलोन का नया पेशकश महाभारत कौरवों के नज़र से। तर्क शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब पांडवों ने अज्ञातवास में रह रहे थे, उस वक्त उन्हें ढूंढते ढूंढते एक क्षत्रिय गांव में पहुंच गया था। प्यास के चलते उसने एक बूढ़ी औरत को पीने के लिए पानी मांगा, तो उस औरत ने कुछ ना सोचकर उन्हें ताड़ी पीने के लिए दे दिया। उस समय स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई नीच जाति का लोग किसी बड़े जाति का लोग को छू भी देती थी, तो वो सजा की पात्र बन जाती थी। और वो औरत थी ही एक शूद्र कन्या। जब उसे ज्ञात हुआ कि वो एक क्षत्रिय को पानी पिलाई है, तो वो डर के मारे सब सच सच बता दी कि वो एक शूद्र औरत है, और उस क्षत्रिय से दंड की उम्मीद भी रखी। पर वो आश्चर्य हो गए ये सुनकर कि ओ माई, भूख और प्यास के लिए क्या जात पात, आप अपनी सुरक्षा के बारे में ना सोचते हुए किसी प्यासे को पानी पिलाया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए अब और एक कहानी पे चलते हैं, सब्र रखिए, सब बताऊंगा। एक बार महारथी कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति द्यूत खेल रहे थे। खेल का स्थिति ये थी कि कर्ण जीतने वाले थे, और उसी वक्त वहां दुर्योधन आ रहे थे। अपने पति को आते देख भानुमति उठ खड़े होने लगी थी। तभी कर्ण सोचे कि शायद वो हार की लज्जा से चली जाने वाली है। ये सोचकर उन्होंने उनकी मोतियों से जुड़ी एक माला पकड़ लिए उन्हें रोकने के लिए, जिससे सारा मोतिया माले से अलग होकर नीचे गिर गए। अब स्थिति ऐसी थी कि कर्ण भानुमति को माला से पकड़ लिए थे, मोतिया नीचे गिरी थी, और सामने दुर्योधन की उपस्थिति। कर्ण और भानुमति दोनों ने सोचा कि दुर्योधन शायद इस परिस्थिति को गलत समझेंगे, पर दुर्योधन बोले कि ये मोतिया मैं समेट लेता हूं और इससे माला भी मैं ही बना दूंगा। क्या इससे दुर्योधन की सकारात्मकता, अपने मित्र के प्रति अटूट विश्वास और अपने पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान का अमूल्य उदाहरण नहीं मिल रहा है? और हाँ, पिछले कहानी का वो क्षत्रिय और कोई नहीं बल्कि दुर्योधन ही था, जिसने उस गांव समेत उसके आसपास के बहुत गांवों को एक मंदिर बनाने के लिए दान में दे दिया था और कहा था कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं रहेगी। आज भी वो मंदिर केरला के कुल्लूर जिले के मालानाडा गांव में स्थित है। सुदोधन, दंतसूकपटक, ऐसे कई नाम है उस शख्स के जिसे इतिहास ने सदियों से खलनायक की भूमिका से दिखाया आ रहा है। जी हाँ, वो शख्स दुर्योधन ही है जो अगर वो महाभारत का युद्ध जीता होता तो शायद ही इतिहास पे अपना तर्क खुद रख पाता। जरा सोचिए, अगर वो इतना ही बुरा था तो अधर्म को खत्म करने के लिए एक क्षण में भगवान परमावतार श्री कृष्णा उसे समाप्त कर देते, जैसे उन्होंने शिशुपाल कंस और जरासंध को समाप्त किया था। पर उन्होंने युद्ध में शस्त्र तक भी नहीं उठाया, जहां पे उनकी सारी सेना पांडवों से लड़ रही थी। क्या ये सच नहीं, पांडव कुरु रक्त से नहीं थे? क्योंकि भीम तो वायुपुत्र थे, युधिष्ठिर धर्मदेव से जन्मे थे, अर्जुन इंद्रदेव से, और नकुल और सहदेव अश्विन कुमार से। तो इस चलते पांडवों तो कभी कुरु साम्राज्य की थी ही नहीं, वो तो कभी कुरु रक्त उनमें आई ही नहीं है, तो उन्हें तख्त कहाँ से दी जाए? क्या दुर्योधन का हट सही नहीं था? अगर जन्म की बात करें तो क्या यह सच नहीं कि महारानी गांधारी कुंती से पहले गर्भावस्था धारण की थी, जो युधिष्ठिर के जन्म होने के एकमात्र बाद दुर्योधन को जन्म दिया? दुर्योधन की जन्म भूतान मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो उस हिसाब से तो दुर्योधन का ही राजा बनना था, फिर क्या यह दुर्योधन के साथ अधर्म नहीं हो रहा था? दुर्योधन एक मानव पुत्र था, पर पांडव देव पुत्र। मानव में क्रोध, अहंकार और लालच होना स्वाभाविक है,
तो इसके लिए सिर्फ दुर्योधन को ही क्यों अलग दृष्टि से देखना? क्या ये अन्याय नहीं? पांडव ने रहने के लिए 5 ग्राम दान में मांगे। जरा सोचिए, दुर्योधन के जगह पे अगर आप होते तो क्या आप अपनी राज्य से 5 गांव अपने शत्रु को दान में दे देते? उस समय उसने जो किया वो स्वाभाविक था। आज के जमाने में 1 इंच जमीन को दान करने के लिए किसी को भी मंजूर नहीं है। वो तो राजा था, उसको तो उत्तर देने थे उसको प्रजा को। उसने एक स्त्री द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा देकर अपनी अगर नपुंसकता की प्रदर्शन किया। जो युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और भाइयों को वस्तु की तरह बाजी लगाकर कौन सा महानता की प्रदर्शन किया? भीष्म भी तो गांधार नरेश सुबल को अपनी पुत्री के शादी धृतराष्ट्र से करने के लिए मजबूर किया था, राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध जाकर। तो फिर दुर्योधन ही क्यों दोषी ठहराया जाएगा? महान तो दुर्योधन है जिसने आजीवन एक ही पत्नी को प्रेम करता रहा और उसे ही अपनी रानी बना के रखा, जबकि पांडवों के कई पत्नियां थी। एक राजा बनने के लिए एक कुशल योद्धा तो था ही, उसके साथ साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था जिसने पांडवों के सेना के 2 गुना सेना इकट्ठा कर लिया था। एक कुशल गदा युद्धधारी जो ना ही कभी हारता अगर उसके साथ छल ना हुआ होता। शायद इसीलिए मरने के बाद उसे ससम्मान सहित स्वर्ग में बुला लाया गया।